तक इतने पैसे लगा चुकी हूँ मैं। तभी मैं बिल्कुल मन नहीं हो रहा यहाँ से कंबल से बाहर निकलने का। जो जो परेशान मत कर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से, एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुल करके स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं आपको अपने दांत अच्छे से आराम से खुल करके दिखा सकती हूँ। सो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं इतनी ज्यादा खुश क्यों हूँ, क्यों इतना स्माइल कर रही हूँ। तो मैं खैर बता ही देती हूँ आपको कि मेरे ब्रेसेस ना उतर गए हैं। ब्रेसेस की आदत हो गई थी ना मुझे, तो अभी उतरने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एंड जस्ट मैं अभी आई ही हूँ, डेंटिस्ट के पास गई थी मैं। तो मैंने शूट इसलिए नहीं किया यार, क्योंकि वहां पे ना कैमरा अलाउड नहीं है। दे डोंट अलाउ कैमरा इनसाइड देयर क्लिनिक। तो मैंने सोचा कि क्यों फालतू में कैमरा उठा करके लेके जाऊंगी, तो मैं आ करके ही आपसे बात करती हूँ। एंड वैसे भी ब्रेसेस आज नहीं उतरे हैं, इससे पिछले वाली विजिट में उतरे थे। तो आज तो मैं वैसे ही फॉलोअप के लिए गई थी, लेकिन इससे पहले वाली विजिट में मेरे ब्रेसेस उतर गए थे। तो आज के इस ब्लॉग में ना मैं आप लोगों को अपनी ब्रेसेस की पूरी जर्नी आपको बताऊंगी, कि मेरे ब्रेसेस कब लगे, कितने टाइम के लिए लगे, क्या वो पेनफुल थे, उनका रिजल्ट कैसा रहा, मेरा क्या प्रोसेस था और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने पैसे लगे, मतलब आपको मैं A to Z सारी की सारी डिटेल दूंगी। लेकिन उससे पहले ना थोड़ी सी गप्पे शप्पे मार लेते हैं मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी सुबह सुबह जाने वाली है, कल सुबह आई मीन, अभी तो शाम है ना, तो कल मम्मी जाने वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं मम्मी के साथ। मम्मी आप बताओ, आप कहाँ जा रहे हो कल? अपने आश्रम। आश्रम में कहाँ पे? ब्यास। तो मम्मी कल ब्यास जा रही है, और कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 3 दिन। 3 दिन का? हाँ, आप जा नहीं रहे हिमाचल? नहीं जाना आपने? हिमाचल अभी नहीं जाऊंगी। आप तो बोल रहे थे कि हिमाचल जाना था, पर अब 21 वाला कैंसिल हो गया, तो गिर गई, तो अब कैसे छोड़ के जा सकती। तो मतलब आप शादी में नहीं जा रहे हिमाचल में? जाऊंगी, पर नेक्स्ट वाली में जो 30 को है। अच्छा, मैं तब से फालतू में उदास होकर के बैठी थी कि मम्मी अभी जा रही है, क्योंकि मम्मी ने मुझे बताया था कि मैं ब्यास जाऊंगी कल, और वहीं से उसके बाद डायरेक्टली मैं हिमाचल के लिए निकल जाऊंगी शादी के लिए। तो मैं सोच रही थी कि अब पता नहीं कितने दिनों बाद मुझे मम्मी मिलेंगे देखने के लिए, बट चलो ये तो गुड न्यूज है ना। तो चलो इसी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। खुशी के लिए पेश किया जाए मेरे लिए ब्रेड बटर। बटर वगैरह ना खाया कर जाना। नहीं, अभी जाओ जाओ प्लीज, बटर अभी खाना। खाना बाद में खाएंगे, पहले ब्रेड बटर है ना। अभी तो खुशी का दिन है, खुशी का टाइम है, तो इसको एंजॉय करना है। सब ब्रेड से करेंगे। हाँ, आपको पता तो मुझे पसंद है। मम्मी को ब्रेड बटर बोला था, मम्मी बटर की जगह मलाई लेकर के आ गई। खैर कोई बात नहीं, ये भी मुझे अच्छे लगते हैं। और इधर देखो जोजो को क्या काम पड़ा है। ओए जोजो, क्या हो रहा है ये? मुझे लगता है जोजो को गर्लफ्रेंड ढूंढनी पड़ेगी। ओए बदमाश। मम्मी मैंने ब्रेड बटर बोला था, आप तो मलाई दे दिए। मैंने बटर ब्रेड बोला था। चल कोई नहीं, खा लेती हूँ यही ब्रेड है उसके लिए। बटर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल सा लेती है। तो मैं तो साफ, मैंने टोस्ट करने के लिए थोड़ा ना बोला था, मैंने बोला था नॉर्मल ब्रेड बटर दो मुझे। मैं दूसरा देती हूँ। मैं ये भी खा लेती हूँ, मुझे 2 ब्रेड और पकड़ा दो। बटर खाना कब खाएगी? मैं खाना खा लूंगी, आप मुझे ब्रेड के साथ खाना बटर खाएगा ढंग से। मैं आप ब्रेड बटर दे दो, दो ये भी खा जाऊंगी मैं, 2 ब्रेड बटर भी खा जाऊंगी। पेट होएगा ना खराब, एक कब्ज होगी ना, पता लगेगा मुझे। नहीं होती। ये लो जी, ये आ गया ब्रेड एंड बटर। मम्मी बटर ऐसे कौन देता है ऐसे पिघला करके? ठंडा हो जाएगा अभी जब तक मलाई के साथ खाएगी। और आपने ऐसे अकेले अकेले स्टार्ट कर दिया खाने? तू तो ना क्या तरसा तरसा के खाती है खाने को। अब मैं क्या करूँ, मेरा ऑफिस का काम भी चल रहा है यहाँ पर, ये भी खाना है, तो टाइम तो लगता ही भाई। मेरे आगे खाना लग जाए फिर वेट नहीं होती। चलो खा लो खा लो। तो मैं ना आपको अभी तक का पूरा अपडेट दे देती हूँ कि वैक्सीनेशन के बाद कैसा कैसा रहा। तो आपको पता ही है कि वैक्सीनेशन के बाद मेरी हालत खराब हो गई थी, तो वो मतलब मेरी तबीयत 2 दिन के लिए खराब रही, फीवर वगैरह आया, हेडेक और बॉडी पेन सब कुछ था, लेकिन फिर वो इवेंचुअली ठीक भी हो गया। लेकिन जैसे ही मेरा वो वैक्सीनेशन वाला मतलब फीवर पूरा उतरा, उसके बाद मेरी थोड़ी लाइफ पर्सनल इश्यूज भी चल रहे थे, तो वो तो यार सबकी लाइफ में होते हैं, आपकी लाइफ में भी पर्सनल इश्यूज होंगे, तो मतलब पर्सनल इश्यूज के बगैर किसकी लाइफ चलती है भला। तो मेरी लाइफ में भी चल रहे थे, एंड फिर वो टेंशन भी अलग से दिमाग में थी। फिर मैं डेंटिस्ट के पास गई, और जब मैं डेंटिस्ट के पास गई ना जब अपने ब्रेसेस उतरवाने के लिए, तो पता नहीं कहां ध्यान था क्या था मेरे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मेरा ना क्या हुआ, फर्स्ट स्टेयर से पैर मेरा स्लिप हो गया, और मैं फिसलते 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 गिरते गिरते मैं बिल्कुल आखिरी, मतलब 8-10 स्टेयर्स तो होंगी, तो बिल्कुल एंड में जाकर के गिरी मैं। और मुझे इतनी ज़्यादा बैक में चोट लगी ना कि पूछो ही मत। और सबसे ज़्यादा पेनफुल बात यह है कि मुझे आज से 2 या 3 साल पहले बैक में लोअर वेस्ट में एक्चुअली मैं जहाँ पर जिस पॉइंट पे मुझे 2 या 3 बार चोट ऑलरेडी लग चुकी थी, उसी जगह पे दोबारा से चोट लगी। और मुझे डर है कि इस बार कहीं स्पाइन इंजरी ना होगी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, चलने में भी दिक्कत हो रही है। बाकी ब्रेसेस उतर गए हैं। सो ये था आज तक का अपडेट। सो अभी वक्त हो रहा है मम्मी के हाथों गरम गरम पट्टी। ज्यादा गर्म लग गया मम्मी।
तभी तो बर्दाश्त करने लायक होगा, तभी होगा, ठीक है। मुझे चोट लगी है ना यार, बहुत ज्यादा वाली लगी है। और मम्मी गर्म पानी में क्या डाला, फिटकरी? फिटकरी नमक, फिटकरी नमक, फिटकरी पता नहीं क्या होती है, वो एक व्हाइट व्हाइट कलर की टिक्की होती है ना, मूस फटा हो ना तो उससे। हाँ, मम्मी के भी जब चोट लगी थी तो मैंने उसी से ही दिया था, और अभी मम्मी ने वही गरम गरम पानी का सेक लगा रही है मुझे कपड़े से, और गरम लग रहा है मम्मी आराम से। बेटा कल खाई ले एक टेबलेट। कौन सी टेबलेट? जीरोडोल एसपी। मैंने पेन किलर खाई हुई है मम्मी। पेन किलर नहीं, वो अंदर से भी रिपेयर करती है ना। रहन दो, आप ज्यादा डॉक्टर मत बनो, मैं डॉक्टर को दिखा लूंगी पहले। नहीं नहीं, वो ठीक होती है उसके लिए, स्वेलिंग फिलिंग के लिए। कोई नहीं, देखते अभी मेरे को पड़ जाएगा आराम, अभी चोट लगी है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, स्वेलिंग नहीं हटी। एक्स्ट्रा मजा भी आ रहा है, पता ठंड है ना तो वो गरम गरम जब लग रहा है तो मजा भी आ रहा है, और दर्द भी हो रही है हल्की हल्की। क्या बोल रहे हैं? एक्सरे भी करा ले। एक्सरे करवा लेंगे आराम से मम्मी, कुछ नहीं निकलेगा एक्सरे में, क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलता। पता है दो बार पहले इस पॉइंट पे पहले भी लगी हुई है ना चोट। कोई नहीं, देखते हैं। जजा क्या खा क्या रहा है, तो ये खा क्या रहा है, क्या है ये क्या है, कहाँ से लेके आया? ओ हो, पेट खुजलाने वाला कहाँ गया, वो यहीं पे तो था। ओ ये पड़ा है पेट खुजलाने वाला, इसके ऊपर बैठा हुआ ये, और इसका कुछ नहीं छोड़ा इसने, देखना। अभी गरम सेक देने के बाद मम्मी ने ये वाला तेल लगाया है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा। आपको भी मम्मी यही वाला तेल लगाया था ना मैंने? मेरी भी ठीक होगी इससे ना। चलो मेरे भी स्वेलिंग कम होगी पहले से, थोड़ा फर्क बड़ा है अभी स्वेलिंग। चलो ठीक हो जाएगी, अभी उठ जा, मैं जा रही हूँ, ठीक है? और अपना ध्यान रखना पीछे से। टाइम कितना हो रहा है? टाइम 5:30 होने वाले हैं, ठीक है? 5:15 हो गए, मैं जा रही हूँ। और जो जो का भी ध्यान रखना, उसको भी खिला पिला देना, अपना भी खा पी लेना, बना के रख दिया तेरे को फ्रिज में, ठीक है? और सोते वक्त कुंडियाँ अच्छे से चेक करके। तो कैसे जा रहे हो आप? मैं स्कूटी से जा रही हूँ, ठीक है? कैब कर देती हूँ? नहीं नहीं, कैब नहीं करनी, मैं स्कूटी में जाऊंगी, आते वक्त भी आ जाऊंगी फिर। सोए सोए रहो, कोई बात नहीं, मैं कुंडी लगा दूंगी, लोक लगा दूंगी बाहर का। जो ओके जो इसको संभाल, इसको पता लग गया मैं जा रही हूँ, चिक्के मारेगा ये दरवाजे बंद कर। सुलाल खेल रहा ना अभी। गुड मॉर्निंग गाइस, मम्मी जा चुकी है एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। ओ मेरी जो जो, अच्छा बस 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 ओके ओके ओके। तो अभी मैं बिल्कुल मन नहीं हो रहा यहाँ से कंबल से बाहर निकलने का, जो जो परेशान मत कर। ओ गॉड, ये नहीं देगा मेरे को ब्लॉगिंग करने। बस 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 रुक जा, तो अभी थोड़ी देर में उठते हैं। जो 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 ओके जो बाय बाय जो जो बाय। मेरा कैमरा गिरा दिया तूने। जो जो इसके साथ खेल, इसके साथ नहाने दे गुरु, नहाने दे मेरे को, नहाने जा रही हूँ, नहाने जा रही हूँ, नहाने। मुझे लगता है आज इसने मेरे को नहाने नहीं देना है। तो अभी अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं अपने ब्रेसेस की जर्नी के बारे में। बाय द वे, मैंने नया नाइट सूट पहना है, याद है आपको? कुछ दिन पहले मैं मम्मी के साथ शॉपिंग पे गई थी, तो वहां से तिब्बतन मार्केट से खरीदा था। क्यूट है ना? कमेंट करके बताना मुझे कैसा लग रहा है मेरे पे, मुझे तो बहुत क्यूट सा लग रहा है, कॉम्फी कॉम्फी सा। एनीवेज, फिर से मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं ब्रेसेस के बारे में। तो मेरे ब्रेसेस मुझे लगे June 2018 में, एंड डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल लगेंगे, क्योंकि आपके दांतों की हालत बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। बस प्रॉब्लम क्या थी, मेरे दांतों के ये जो दो दांत होते ना आगे वाले, ये वाले, तो इनमें थोड़ा सा गैप था, तो उसकी वजह से ना मैं कॉन्फिडेंटली स्माइल नहीं कर पाती थी, और मेरे दोस्त मेरे मजाक बना देते थे, एंड मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा लूज हो गया था कि मैंने फिर सोच लिया कि भाई अभी तो मुझे ब्रेसेस पहनने ही पहनने हैं, एंड ये रीजन था मेरा ब्रेसेस पहनने का। बाय द वे, बट 1.5 साल वो तब लगता अगर मैं हर महीने या दूसरे महीने या एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा तीसरे महीने डॉक्टर के पास जाती, अपॉइंटमेंट लेती, विजिट करती, एंड मेरे वो वायर्स को टाइट करते। लेकिन ऐसा मेरे लिए पॉसिबल हो ही नहीं पाया, क्योंकि मैं जब तक अफ्रीका में जॉब करती थी, 2018 में मैं अफ्रीका में जॉब करती थी, तो तब तो मैं हर तीसरे महीने आ जाती थी इंडिया में, लेकिन जब मैंने वहां से जॉब छोड़ दी और मैं पुणे में जॉब करने लगी ना, तब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था भाई। मतलब आईटी वाले लोगों को, जो लोग करते हैं जॉब, वो समझ पाएंगे मेरा पेन, कि हमें तो छुट्टी नहीं मिलती है, और छुट्टी मिलती है तो ट्रैवलिंग में ही पूरा टाइम निकल जाता है, एंड मैं कभी 6 महीने में, कभी 1 साल में ऐसे मैं ट्रैवल किया करती थी, तो इसलिए मेरा ये प्रोसेस पूरा डिले हो गया। एंड उसके बाद आपको पता है लॉकडाउन पड़ गया, और लॉकडाउन के बाद तो मैं जब गई ना डेंटिस्ट के पास, तब पता कितने साल बाद गई मैं, 1.5 साल बाद।
बाद सोचो कहां मुझे हर दूसरे तीसरे महीने बुलाते थे और कहां मैं 1.5 साल बाद गई। तो भाई ये पूरा रीजन रहा मेरे पूरे प्रोसेस का डिले होने का, जहां 1.5 साल लगने थे वहां पे 1.5 की जगह 3 साल लग गए। तो अब पैसों की बात करते हैं, तो पैसे लगे भाई इसके लिए 45,000 मेरे ब्रेसेस के लिए लगे। बाकी ब्रेसेस लगने से पहले मेरी स्केलिंग हुई थी, पूरी क्लीनिंग हुई थी, तो उसके लिए 3 या 4 हजार कुछ लगा था। अभी ब्रेसेस उतर गए हैं, तो ब्रेसेस उतरने के बाद ना फिर से उन्होंने रिटेनर्स लगाए। तो रिटेनर क्या होते हैं ना, जब आपके ब्रेसेस उतर जाते हैं तो चांसेस रहते हैं कि आपके दांत दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए उनको इसी पोजीशन में रिटेन करने के लिए ना रिटेनर्स लगाते हैं। तो उन्होंने अभी रिटेनर्स लगाए मेरे ऊपर वाले दांत में भी और नीचे वाले दांत में भी, अभी दिखाई नहीं देंगे वो क्योंकि वो अंदर से लगे हैं। तो रिटेनर्स के लिए लगे मेरे 10,000, तो टोटल हो गया 58,000, मतलब 45,000 की मेरे ब्रेसेस, 10,000 के रिटेनर्स और 3 या 4 हजार के जो मेरी क्लीनिंग हुई थी ब्रेसेस से पहले, तो टोटल हो गया 58,000 या 59,000। तो इतने पैसे लगा चुकी हूँ मैं। बाकी मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस और बेकार भी रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि जब जब वो टाइट करते थे ना, जब ब्रेसेस लगे तब तो काफी मेरे दांत सेंसिटिव हो गए थे, पेन होती थी, मुझसे कुछ भी ऐसे हार्ड कोई भी चीज खाई नहीं जाती थी। एंड जब जब मेरे वायर्स टाइट होते थे तब भी सेम चीज होती थी, दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते थे। तो मैं सिर्फ लिक्विड डाइट पे आ जाती थी, जैसे खिचड़ी हो गया या फिर जूस सूप, ऐसा मेरा डाइट रहता था पूरा पूरा। ब्रेसेस की वजह से ना मेरे थोड़ी गम प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर, अभी थोड़ा सा मेरा ट्रीटमेंट इसका भी चल रहा है, गम्स में स्वेलिंग हो गई है। एंड यहाँ जो ये लिप्स के ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा, पता नहीं आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा, ये देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्किन ना मेरा ऐसे निकल गया, थोड़ा सा मुझे ऐसे फील होता है कि पता नहीं अब ये सच है कि नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा फील होता है कि मेरे शायद से जॉज भी मेरे पता नहीं अंदर की तरफ शिफ्ट हुए या क्या। बट हाँ स्टार्टिंग में मुझे बड़ा फील होता था ऐसा, क्योंकि मेरे यहाँ से ना थोड़ी चबी चबी सी हो गया था फेस काफी ज्यादा, तो अभी तो मैं थोड़ी पतली हो गई हूँ तो इसलिए ठीक लग रहा है। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो मेरी ब्रेसेस को लेकर के तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियोस में आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं, बस मुझे सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे चैनल पे नए हो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।